अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम, मैं शेख शाहिद, आरजेएस 24 न्यूज़ का एडिटर इन चीफ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, चार दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जो मुमताज़ अहमद खान और यासर अरफात को जो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि ये वीडियो जो हूँ मैं वायरल कर रहा था और मैं ये वीडियो को सारी जगह फैला रहा था, मगर मैं खुद आज मैं मेरे वालिद साहब को लेकर CCS आया हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट देती है CCS आके मैं खुद कंप्लेंट बुक कराया हूँ। जो भी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना, और जो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया, जो भी मेरी फैमिली के बारे में और मेरे बारे में जो भी आप लोगों को बुरा भला कह रहे हैं उस पर आप तवज्जो मत दीजिए। ये सब गलत बात है, लोग सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी फैमिली वालों को भी लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तेलंगाना पुलिस और कानून पर पूरा भरोसा है। KVM प्रसाद सर जो ACP सर है CCS के, उन्होंने भी बोला इस पर जल्द से जल्द एक्शन होंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं भी इसलिए आया हूँ, शायद शेख शायद के नाम पे फेक कमले वो फेक वीडियो जो बनाए, वो कौन बनाए, कोई दूसरे बनाए लगता हो, इसका नाम डाल रहे हैं। वही हम लोग CCS में कम्प्लेंट देने आए कि ये कौन करा, और जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करे और मालूम करे हम। और आप लोगों को ये साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो मैं वायरल करता तो मैं क्यों CCS आकर कंप्लेंट बुक कराता। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं खुद आकर मेरे RZS न्यूज चैनल का जो लेटर हेड है, लेटर पैड रहता है, उस पर कंप्लेंट बुक कराया हूँ। और माशाल्लाह मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया। आप लोग फिर से एक बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, और मेरे अगर ये वीडियो जो भी वायरल करना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, अगर मैं खुद वायरल करता तो आज मैं खुद पुलिस के आके अपनी कंप्लेंट बुक नहीं कराता था। जो भी ये वीडियो वायरल किया, जिसने भी ये वीडियो वायरल किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी एक्शन होगा।